कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पहुंचे कलेक्ट्रेट, बाढ़ की तैयारी के संबंध में ली जानकारी। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राज तिवारी ने जिले की बाढ़ की समस्या को लेकर पहुंचे रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया। निचले इलाके की जल भराव की समस्या को लेकर चिंता जताई। कांग्रेसी चाहते हैं समय रहते अगर जिले में भारी बारिश होती है तो उससे निपटने की प्रशासन की चौक चौबंद तैयारी होनी चाहिए। आइए सुनते हैं रीवा दर्शन के संवाददाता से राज तिवारी ने इस संबंध में क्या कहा। अपन से ज़्यादा ये एक चर्चा करने में आया था जी। आप सबको मालूम है, आप देख रहे हैं जिस तरह की बारिश पिछले 4-5 दिनों से हफ्ते भर से हो रही है। मुझे चिंता ये है कि रीवा के कुछ निचले इलाके शहर के भी और ज़िले के भी बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। हमें 2016 याद है, हमें 1996-97 भी याद है। इस तरह की चीज़ों को निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है, मैं इसके लिए डिस्कशन करने आया था कलेक्टर साहब से। और मुझे इस बात का हर्ष है कि कमलनाथ जी की सरकार हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि उन्होंने ऑलरेडी यूपी से बात कर रखी है, वाटर कमीशन ऑफ इंडिया से बात कर रखी है कि जिस तरह से पानी छोड़े जाएंगे नदी में उसका क्या कंट्रोल होगा, किस हिसाब से छोड़े जाएंगे और उनके मेजर्स क्या हैं, मतलब उसमें हम लोग क्या स्टेप्स लेंगे इस बाढ़ को रोकने के लिए। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुझे आश्वासन मिला है कलेक्टर साहब से और मैं उनकी तैयारी से प्रसन्न हूँ।